what is going on fellas welcome back to debit credit nation now i believe that you've got a fair bit of idea from the thumbnail about the topic that we are going to discuss tonight yes we are going to discuss about the new syllabus in the calcutta university undergraduate program so this syllabus is applicable from 2023 so you see this syllabus was introduced back in 23rd june 2023 and we are going to discuss about this syllabus and the difference between this syllabus versus the earlier one now with respect to the naming convention the difference is the previous syllabus was known as cbcs which is choice based credit system and then current or the new syllabus is known as ccf which is curriculum and credit framework तो नाम का तो ये जर्गंस है इससे पता नहीं चलेगा डिफरेंस क्या है मेन डिफरेंस है द प्रीवियस सिलेबस वॉज फॉर थ्री ईयर बी कॉम प्रोग्राम एंड दिस सिलेबस इज फॉर अ फोर ईयर बी कॉम प्रोग्राम नाउ यू माई थिंक दैट वाई शुड आई वेस्ट फोर ईयर्स इन अ बीकॉम पीपल कैन गेट इंजीनियरिंग डिग्री इन फोर ईयर्स

क्रेडिट सिस्टम उसमें क्या था जो माइनर पेपर थे माइनर पेपर के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्टली तो जस्ट अंडरस्टैंड कुछ पेपर माइनर होते जो इंपॉर्टेंट पेपर नहीं होते उसमें एम सी क्यू पेपर आते थे दैट मीन्स अब हॉल कलेक्शन से उसके आंसर डिटर्मिन कर पाते थे अगर अब पढ़ के भी नहीं आए तो क्लास में दो तीन होनर बच्चे होते ही है वो करेक्ट एम सी क्यू चुनते हैं और उसका आंसर पूरे हॉल में सर्कुलेट हो जाते हैं और बेनिफिट ये भी था कि उधर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था अगर आप एम के एंट्रेंस दोगे या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस के कोई एग्जाम में बैठोगे आपको चार गलत क्वेश्चन पे वन मार्क काटा जाता है या फिर कभी कभी थ्री गलत आंसर पे वन मार्क काटा जाता है और इधर कोई डिसक्रेडिट नहीं है तो आपका गेस वर्क से भी करेक्ट आंसर हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाते थे ये तो था सी सिस्टम अभी सी में वो सारे पेपर्स है बट आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा नो no ऑब्जेक्टिव आपको सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा ये एक मुश्किल हो गया माइनर पेपर हो मेजर पेपर हो एम नहीं रहा तो फिर बेनिफिट क्या हुआ ये सी को चेंज करके सी में आके तो वही हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सी का कंसेप्ट क्या है तो हम थोड़ा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक पीडीएफ खोले हैं उसमें लिखा है कि फीचर क्या है सी का फैसिलिटेटिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन विथ यूजी सर्टिफिकेट यूजी डिप्लोमा और डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रेडिट सिक्योर्ड तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आप कभी भी ये कोर्स से ऑप्ट आउट कर सकते हो दैट मीन्स चार साल का कोर्स तो है आप एक साल के बाद भी निकल सकते हो दो साल के बाद निकल सकते हो तीन साल, साल के बाद निकल सकते हो और चार साल के बाद आप निकलोगे तो आपको पूरा डिग्री मिलेगा ही और आप जब निकलोगे यू वन बी कमिंग आउट एम टी हैंडेड विल बी एवॉर्डेड एटलीस्ट अ सर्टिफिकेट और अ डिग्री और अ डिप्लोमा कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा ठीक है ये एक बेनिफिट है बट अगेन इसके साथ साथ एक रेस्ट्रिक्शन है एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको वो कोर्स खत्म करना पड़ेगा तो आप एग्जिट कर रहे हो बाद में आप एंट्री भी कर सकते हो बट एंट्री के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट है कभी भी एंट्री नहीं कर सकते तो ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर है सी का जहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मिलता है ये सी का नोटिफिकेशन है जो जून 2023 तो 06 इज द एम एम एंड टू इज द वाई 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 देट इज़ सिक्स मंथ ऑफ 2023 दिस वाज पब्लिश्ड

फोर्थ सेमेस्टर में एग्जिट किया मतलब दो साल कंप्लीट किए सिक्स सेमेस्टर के बाद एग्जिट किया मतलब आप तीन साल कंप्लीट किए एट सेमेस्टर मतलब पूरा कंप्लीट ही कर रहे हो राइट नेक्स्ट इसमें ये सब ऑप्शन है देन ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप कभी भी एग्जिट कर रहे हो आपको एंटर करने के बाद भी आपको ये समझना होगा कि आपको पूरा कोर्स सेवन ईयर्स के अंडर कंप्लीट करना है ओके लाइक सात साल का सजा तो सात साल से पहले आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट करो बट एडमिशन के डेट से कंप्लीशन के डेट विद इन सेवन ईयर्स में कंप्लीट होना चाहिए ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है इधर तो नेक्स्ट हम जाते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसमें लिखा है कि प्लस टू के, के जो पेपर है दैट मींस योर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और आईएससी और सीबीएसई और एनी क्लास ट्वेल्व प्लस टू एग्जामिनेशन वेयर द टॉप फोर सब्जेक्ट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द एप्लीकेशन ओके तो आप जब अप्लाई करोगे आपके टॉप फोर आउट ऑफ टॉप फाइव टॉप फोर सब्जेक्ट्स कंसिडर किया जाएंगे नाउ इधर कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स है बी के लिए आप पूरे चार साल के कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकते हो ये ऑल सब्जेक्ट्स का नाम इधर है आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो एल्स ये पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में यू कैन गो थ्रू यू कैन डाउनलोड एंड रीड एट योर ओन पेस ना ये सीसीएफ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल वट इज अ रोल इट से आपका अगर एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस है इन एनी सेमिस्टर देन यू आर गुड टू अपियर फॉर द सेमिस्टर बट अगर आपका अटेंडेंस 60 से 75 परसेंट के अंदर है फिर भी आपको सेमिस्टर में बैठने दिया जाएगा बट यू हैव टू पे अ प्रेस्क्राइब्ड कंडोनेशन फी दैट फी अमाउंट इज नॉट येट अगर आपका अटेंडेंस 60 परसेंट से कम है यू शैल नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर द कंसर्न सेमिस्टर एग्जामिनेशन वो सेमिस्टर में आप बैठ नहीं सकते 60 परसेंट से कम अटेंडेंस हो तो एंड ही और शी हैज टू टेक एडमिशन टू द सेम सेमिस्टर इन द वेरी नेक्स्ट ईयर फॉर अटेंडिंग द क्लासेस एंड अपेयरिंग एट द सेड सेमिस्टर एग्जामिनेशन तो कॉलेज में जाइए आप मूवीज जाइए आईपीएल देखने जाइए कहीं भी फ्रेंड के साथ घूमने जाइए इश्क लड़ाइए बट

हमारे पास दो ही सब्जेक्ट्स था ऑनर्स पेपर एंड पास पेपर ऑनर्स पेपर मतलब जो जिसमें हम मेजर लिए हैं और पास पेपर मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स अभी तो बहुत सारे पेपर हो गया है ऑनर्स अभी आप पढ़ोगे मेजर माइनर ए ई सी ए सी सी ब्ला ब्ला बहुत सारे पेपर है बट मेजर इज़ अ मेन पेपर तो वो ऑनर्स पेपर है दैट इज़ बी में आपके पास दो ऑप्शन है आइदर यू कैन गो फॉर मार्केटिंग ऑनर्स और फीनांस ऑनर्स तो मार्केटिंग लिया तो मेजर पेपर मार्केटिंग के रिलेवेंट पेपर आएंगे और अगर फिनंस लिए हैं तो फाइनेंस के रिलेवेंट पेपर आएंगे लाइक कॉस्ट टैक्स अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट फिनेंशियल मैनेजमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फिनेंशियल रिपोर्टिंग ये सारे फिनेंस के मेजर पेपर होगा तो आज सब्जेक्ट अ कोर्स टू भी कंपलसरली स्टडीड स्टूडेंट, ओके आपको कंपल्सरली इसको पढ़ना ही होगा नेक्स्ट आते हैं माइनर पेपर माइनर पेपर दैट इज ऑनर्स से रिलेवेंट है फॉर एक्जाम्पल अगर आप फिनंस ऑनर्स लिए हो तो आपको थोड़ा बहुत बी एस बिजनेस स्टडीज के बारे में जो पेपर थे उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा मार्केटिंग के बारे में पढ़ना होगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ना होगा ठीक है दिस आर ऑल माइनर पेपर इट्स एज अ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड बाई अ स्टूडेंट विथ लेसर नंबर ऑफ कोर्सेज देन द मेजर सब्जेक्ट एंड टू बी चोजन फ्रॉम अ पुल ऑफ सब्जेक्ट तो इसमें कम कोर्सेस रहेंगे ऑनर्स से दैट इज मेजर से कम रहेंगे नेक्स्ट आता है ए सी ए सी आर दस विच आर रिलेटेड टू लैंग्वेज जब आप क्लास इलेवन या ट्वेल्व में पढ़ते थे आप रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रीम साइंस आर्ट्स कॉमर्स आपको इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश बंगाली ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ा था तो दैट लैंग्वेज ऑल्सो यू हैव टू अपियर फॉर इन द बी कॉम एज वेल तो ये सब्जेक्ट हर सेमिस्टर में नहीं आएंगे इनिशियल के दो तीन सेमिस्टर में आएंगे फिर लैंग्वेज गायब हो जाएगा चार सेमिस्टर में आएंगे शायद तो आपके पास ऑप्शन है कंपल्सरी इंग्लिश ये सब्जेक्ट हैं या फिर आप बंगाली हिंदी या फिर उर्दू ले सकते हो और अगर आप इंग्लिश मीडियम से आए हो आपका बंगाली हिंदी उर्दू स्ट्रांग नहीं है देन यू हैव द ऑप्शन टू गो फॉर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश तो फर्स्ट कॉम्बो इज कंपल्सरी इंग्लिश एंड बंगाली और कंपल्सरी इंग्लिश एंड हिंदी और कंपल्सरी इंग्लिश एंड उर्दू सेकेंड कॉम्बो इज एसी सी स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेस ये जो सब्जेक्ट है ये आपको एक्चुअल जब आप नौकरी करेंगे जब जॉब करेंगे तब आपका स्किल बढ़ाने में यह सारे सब्जेक्ट हेल्प करेंगे फॉर एग्जाम्पल अब शार्क टैंक देखे हो सीजन वन सीजन टू सीजन थ्री उसमें क्या होता है ऑन्टरप्रेनर्स आते हैं छोटे छोटे ऑन्टरप्रेनर्स अपने आइडिया बोलते हैं और इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है स्किल डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट है ये आप सीखोगे तो आप अपना स्किल बढ़ा पाएंगे और उसके थ्रू आपको नॉट ओनली नौकरी उसके लिए आप खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो ओके प्रैक्टिकल पेपर जो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे दोज आर कॉल्ड ए स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेस तो वो भी रहेंगे उसके बाद एक सीवे कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा जो बी ए बी सब स्ट्रीम में रहेगा कॉमन है देन आता है एक इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इसका मतलब है आप मल्टी डिसिप्लिन में काम कर सकते हो डिसिप्लिन मीनस स्ट्रीम तो कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो साइंस में भी आते हैं कॉमर्स में भी आते हैं आर्ट्स में भी आते हैं फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी आता है आर्ट्स में भी आता है सिमिलरली से आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कॉमर्स में भी आता है साइंस में भी आता है तो ये सारे सब्जेक्ट्स ये एग्जाम्पल है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स

CGPA equivalent to 75% marks after successful completion of the first six semester सीजीपीन टू become honors with research degree in seventh and eighth semester. अगर आपका पहला आपको एसजीपीए समझना होगा एसजीपीए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट अंडरस्टैंड के सेमिस्टर का जो परसेंटेज मिलता है उसको बोलते एसजीपीए वेरी लेमन लैंग्वेज में बोला तो हर सेमिस्टर मतलब छः सेमिस्टर का जो एस हुआ उसका एवरेज करेंगे करके देखेगा अगर 75 फाइव परसेंट एंड अबव हुआ देन यू हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर रिसर्च ओके सेवेंथ एंड एट सेमिस्टर में वो आप रिसर्च वाला पेपर कर सकते हो उसमें क्या होगा आपको टोटल ट्वेल्व क्रेडिट क्रेडिट के बारे में डिस्कस करूंगा हर एक पेपर का कुछ क्रेडिट रहता है जैसे मेजर पेपर का फोर क्रेडिट माइनर पेपर का फोर क्रेडिट देन इंटर uh, डिसिप्लिनरी जो आईडीसी बोला इसका थ्री क्रेडिट क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होगा आपको सेवन्थ सेमिस्टर में एक रिसर्च पेपर सबमिट करना होगा एट सेमिस्टर में आपको दो रिसर्च पेपर सबमिट करना होगा टोटल तीन पेपर ओके okay? तो दैट मीन्स सेवेंथ में वन पेपर वन इंटू फोर फोर क्रेडिट एंड एट्थ में टू पेपर टू इंटू फोर एट क्रेडिट्स टोटल आपको ट्वेल्व क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे अगर आप विथ रिसर्च ऑप्शन चुने हो मान लो आपको विथ रिसर्च नहीं लेना है आपको चार साल कंप्लीट करना है बट विथ रिसर्च वाला पंगा नहीं लेना है आपको देन आप क्या कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द रिसर्च दैट इज यू गो फॉर विदाउट रिसर्च तब आपको क्या होगा आपको सेवेंथ में वन एडिशनल डीएससी सी दैट मीनस वन एडिशनल मेजर पेपर सबमिट करने होंगे एंड एट्थ में टू एडिशनल डीएससी सी दैट मीन्स टू एडिशनल मेजर पेपर कंप्लीट करने होंगे तो इधर भी आपको तीन पेपर करना हुआ सेवेंथ में वन एंड एट्थ में टू तो इधर भी चार और आठ ट्वेल्व क्रेडिट्स ये सेकेंड ऑप्शन है नाउ मैं जो सब्जेक्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स में जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जिट है तो एग्जिट के टाइम पे कौन सा डिग्री विल बी एवॉर्डेड टू तो यू मैं ऑलरेडी बोला हूँ दैट यू वन बी कमिंग आउट एम टी हैंडेड यू विल बी हैंडेड ओवर सम डिग्री एट एनी एग्जिट पॉइंट ऑल्सो एग्जिट आप कभी भी नहीं कर सकते आप इवन सेमिस्टर में एग्जिट कर सकते हो सेकेंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर एंड सिक्स सेमिस्टर एंड एट सेमेस्टर तो एंड रिजल्ट हो जाता है तो ये भी एक सीयू का ही सर्कुलर है कैलकाट यूनिवर्सिटी का ही सर्कुलर है ये सर्कुलर निकला था एटीनथ दिसंबर 2023 तो इसमें डिफरेंट टाइम का एग्जिट का डिग्री के बारे में लिखा गया है तो डिग्री का नाम देखते तो इधर ट्वेंटी वाले ऑप्शन में डिग्री है बोल रहा है अगर कोई बंदा एक साल के बाद थक गया सिकेंड टायर्ड ऑफ स्टडीज एंड ही और शी लीव्स बिकॉम तो वन ईयर के बाद उनको जो डिग्री मिलेगा उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इन कॉमर्स ऑब्वियसली वो निकलने के लिए एग्जिट के टाइम पे उनको एक समर इंटर्नशिप करना होगा मैं थोड़ा देर बाद में दिखाऊंगा आपको समर इंटर्नशिप के बारे में शायद मैं स्किप कर गया तो आपको सेकेंड सेम के बाद फोर्थ सेम के बाद सिक्स सेम के बाद और एट्थ सेम के बाद ये जो इवेंट सेमिस्टर्स है उसके एंड में आपको एक समर इंटर्नशिप करना होगा तो जो समर वैकेशन होगा वो एक महीना आपको किसी कंपनी के अंडर या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर कोई फार्म में आपको नौकरी करना होगा और इंटर्नशिप करना होगा बेसिकली एंड आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से सबमिट करवाना पड़ेगा वो समर इंटर्नशिप दिखाने के बाद ही आप निकल सकते हो तो जो फर्स्ट ईयर के बाद निकलेगा उसको सर्टिफिकेट इन कॉमर्स वाला सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको फोर्टी फाइव क्रेडिट एलोकेट किया जाएगा नेक्स्ट मान लो कोई बंदा दो साल पढ़ाई किया फिर छोड़ दिया तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसको डिप्लोमा इन कॉमर्स मिलेगा वन ईयर के बाद छोड़ा तो उसको सर्टिफिकेट इन कॉमर्स मिलता है टू ईयर के बाद छोड़ा तो उसको डिप्लोमा इन कॉमर्स मिलेगा और उसको 88 क्रेडिट एलोकेट किया जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन तो तीन साल के बाद छोड़ा और उसको मिनिमम थ्री सी मिलता है थ्री सी जी पी ए सी जी पी अगेन तीन साल के बाद निकल रहा है दैट मीन्स थ्री ईयर्स का और सिक्स सेमिस्टर का जो एस का एवरेज है उसको सी बोलते हो अगर तीन या तीन से ज़्यादा हुआ तो उनको मतलब एटलीस्ट थ्री मिला तो उनको बोलेगा थ्री ईयर बीकॉम डिग्री ये वाला डिग्री मिलेगा वही बंदा तीन साल बाद सीजीपीए मिलान उनको थ्री बीकॉम ऑनर्स डिग्री मिलेगा पिछले बार थ्री सीजीपीए मिलने से थ्री ईयर बीकॉम डिग्री मिलता है और फोर सीजीपीए मिलने से थ्री ईयर बीकॉम ऑनर्स डिग्री ऑनर्स मतलब सम्मान एक रेस्पेक्ट तो ये डिफरेंस है फोर सीजीपीए लाने का रिवॉर्ड है कि एक ऑनर्स वाला डिग्री मिला अब मान लो कोई बंदा चार साल पढ़ाई किया फोर ईयर के बाद जब वो निकलेगा एक ऑप्शन है विदाउट रिसर्च वाला उसका 75 परसेंट मार्क्स नहीं है बट एटलीस्ट उसको फोर सी है तो वो फोर्थ ईयर के बाद वो निकलेगा ऑनर्स डिग्री विदाउट रिसर्च और अगर वो रिसर्च करता है एंड उनको फोर से ज्यादा सी है देन ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री तो ये विथ रिसर्च डिग्री का बेनिफिट क्या है अगर बंदा रिसर्च के साथ निकलता है तो वो आगे जाके अगर एम कॉम करेगा उसको एक ही साल करना पड़ेगा आइडियली मास्टर्स डिग्री और ऑफ़ टू इयर्स कोई एम कॉम एम एस सी एम ए एम बी ए कुछ भी करो आपको एम टेक हर जगह पे दो साल लगता है बट अगर आप रिसर्च डिग्री के साथ निकलते हो चार साल बी कॉम करके निकलते हो आपका वो दो साल में से एक साल इधर कंज्यूम कर चुके हो इट विल बी कंसिडर लाइक दैट सो आपको एडिशनली डेल्टा वन ईयर पढ़ना होगा अगेन ये ऑप्शन है अगर आपको प्रोफेसर या फिर एजुकेशन से रहना है तो आप कर सकते हो अगर आपका सीए कॉस्टिंग करने का मन है कंपनी सेक्रेटरीशिप का मन है आपको गवर्नमेंट सर्विस देने का मन है तो आपको चार साल तक बी करने का कोई मतलब नहीं बनता तीन साल के बाद निकलो समर इंटर्नशिप करके आपको बीकॉम ऑनर्स या फिर सिंपली सीजीपीए का मार्क्स समझ लेते हैं पहले एस जी पी एन परसेंट मार्क्स फोर्टी से फोर्टी तो, तो सी तो आएगा थ्री टू थ्री पॉइंट फोर नाइन ग्रेड पॉइंट करके आउटस्टैंडिंग एट्टी टू हंड्रेड हुआ तो, तो एग्जाम्पल है कैसे मतलब 3.49 जो है एग्जैक्टली exactly कि, कितना होगा अगर किसी को 52 परसेंट मार्क्स मिलता है तो उसका 3.60 होगा 52 मतलब इधर इसमें फॉल करता है ओके तो थ्री पॉइंट फाइव होगा तो इसमें कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि 3.60 मिलेगा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अभी सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं तो सब्जेक्ट्स में हाँ, ये रहा समर इंटर्नशिप एंड ऑफ निकलोगे समर इंटर्नशिप करके निकलोगे तो आपको ये डिग्री फोर्टी फाइव वाला क्रेडिट मिलेगा तो आपको हर बार समर इंटर्नशिप नहीं करना है आपको अगर सेकंड में किया तो आप सेकंड में निकल सकते हो फोर्थ में किया तो फोर्थ में निकल सकते हो अगर आप सेकंड में नहीं किए तो फोर्थ में कर सकते हो फोर्थ में नहीं किए तो सिक्स में कर सकते हो तो अभी सब्जेक्ट देख लेते टोटल वन okay? टू क्रेडिट्स में एग्जाम होगा वन क्रेडिट मतलब ट्वेंटी फाइव मार्क्स ओके तो हम क्रेडिट में बात करते हैं क्योंकि ये सी सी एफ है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क इसमें क्रेडिट को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है तो वन सेवेंटी टू क्रेडिट में एग्जाम होगा आउट ऑफ विच वन सिक्सटी नाइन क्रेडिट जो आप एग्जाम देते हो एंड थ्री क्रेडिट समर इंटर्नशिप का है तो देखिए समर इंटर्नशिप कब कब एप्लीकेबल है एंड ऑफ सेकेंड सेम एंड ऑफ फोर्थ सेम ये सेम नंबर इधर दिखेगा वन देन सेकेंड देन देखिए फिर आता है सेकेंड के बाद सीधा आता है फोर्थ में फोर्थ के बाद आता है सिक्स में समर इंटर्नशिप आपका रूट टू एग्जिट है समर इंटर्नशिप करके ही आप एग्जिट कर सकते हो अच्छा तो फिर हम देखते हैं ये सेमिस्टर वन में क्या होगा एक मेजर पेपर होगा उसमें फोर क्रेडिट वन पेपर फोर क्रेडिट टोटल फोर नेक्स्ट वन माइनर पेपर होगा ये जो मेजर पेपर है ये फिनेंशियल अकाउंटिंग है विल डिस्कस अबाउट इट शॉर्टली वन माइनर पेपर होगा उसमें भी फोर क्रेडिट वो शायद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है देखना पड़ेगा मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर है देखिए ये हर बार नहीं आ गया इसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट ए है लैंग्वेज वाला लैंग्वेज वाला देखिए वन टू थ्री फोर चार सेमिस्टर में लैंग्वेज फिर उसके बाद लैंग्वेज खत्म नेक्स्ट आता है ए जो स्किल बेस्ड पेपर है उसमें वन टू थ्री एक एक करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम में वन वन करके है देन एक वी है तो ये जो वी है VSC सबके लिए कॉमन है इसमें लिखा है देखिए AEC एंड VSC पेपर आर कॉमन फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स बीए बीएससी बीकॉम कोई भी स्ट्रीम लोगे आपको ये पेपर क्लियर करना ही होगा इंटर्नशिप सिर्फ सेकंड फोर्थ एंड सिक्स में आता है एइट्स में कोई इंटर्नशिप नहीं है बिकॉज़ 8 इज नॉट एन एग्जिट रूट एट नॉर्मल 8 अप अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम 8थ में ही है और एट्थ में सेवेंथ एंड एट्थ में ये दो ऑप्शन है सेवेंथ में विथ रिसर्च लोगे तो आपको एक रिसर्च पेपर सबमिट करना होगा और एट्थ में आपको दो रिसर्च पेपर सबमिट करना होगा ये रिसर्च पेपर क्या है आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें आपको काम करना होगा आपको एक फैकल्टी असाइन किया जाएगा कोई एक सर या मैम कोई सीनियर आपको असाइन किया जाएगा आपको वो प्रोजेक्ट सबमिट करके उनको देना होगा अगर वो डिसाइड करते हैं आपका प्रोजेक्ट विदाउट प्लेजियरिज्म है प्लेजियरिज्म मतलब आप इंटरनेट से कॉपी करके पीडीएफ से कॉपी करके नहीं बना सकते आपको खुद का व्यू डालना होगा आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है आपका आंसर वो सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे सीधा बोल देगा कितना प्लेजियराइज है कितना ओरिजिनल है तो ऐसे आपको रिसर्च पेपर सबमिट करने होंगे आपके फैकल्टी अप्रूव करेंगे यस yes, ये रिसर्च इज गुड गुड टू बी कंसिडर्ड एज कम्प्लीटेड तो इधर ये रिसर्च पेपर का ऑप्शन है एल्स अगर विदाउट रिसर्च लिया तो उनके लिए ये वाला पार्ट ओके okay? चार ऑनर्स पेपर इधर दैट इज चार मेजर पेपर एंड इधर दो मेजर पेपर माइनर के साथ कोई और नहीं माइनर आपको देना ही पड़ेगा विथ रिसर्च विदाउट रिसर्च आपको माइनर देना ही पड़ेगा तो टोटल फर्स्ट सेमिस्टर में 21 क्रेडिट सेकेंड सेमिस्टर में भी 21 क्रेडिट एंड थ्री वाला ऑप्शन है अगर कोई वो ऑप्ट करता है एग्जिट वाला तो देखिए 21 वन प्लस ट्वेंटी होता है 42 42 टू प्लस थ्री मिला के फोर्टी बोला गया था सेकेंड सेमिस्टर के बाद निकला तो फोर्टी फाइव क्रेडिट मिलता है कहाँ पर लिखा था यह लिखा था सेकंड सेमेस्टर के निकलता है तो फोर्टी फाइव क्रेडिट मिलता है तो ये है फोर्टी फाइव क्रेडिट इक्कीस प्लस इक्कीस फॉर्टी टू प्लस थ्री फोर्टी फाइव नेक्स्ट थर्ड सेम में ट्वेंटी वन क्रेडिट फोर्थ सेम में ट्वेंटी टू प्लस ये थ्री अगर ये थ्री इधर नहीं यूज़ किया देन इधर यूज़ करना पड़ेगा तो फोर्थ सेम के बाद जब निकलेगा तब उसको कितना क्रेडिट मिलेगा एट्टी एट क्रेडिट मिलेगा और ये डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट पहले तो कॉमर्स सर्टिफिकेट फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फिर थ्री ईयर्स बीकॉम या थ्री ईयर बीकॉम ऑनर्स मिलेगा या फिर एट द एंड फोर ईयर फोर ईयर विथ और विदाउट रिसर्च ओके तो थर्ड ईयर के एंड में निकलोगे तो वन ट्वेंटी एट क्रेडिट थर्ड ईयर के एंड मतलब ये रहा इधर आप निकलोगे तो वन ट्वेंटी एट क्रेडिट एंड फाइनली अगर आप निकलोगे तो आप टोटल वन सेवेंटी टू क्रेडिट में एग्जाम दिए हो और आप आपको विथ और विदाउट रिसर्च वाला टाइटल मिलेगा नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर में पूरे छः सेमिस्टर कवर करना एक वीडियो में मुश्किल है तो मैं इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर ही डिस्कस करूंगा ये है फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स आर हियर तो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट मेजर पेपर है दैट इज ऑनर्स पेपर है जिसमें फोर क्रेडिट मिलता है फोर क्रेडिट और इसमें क्या होता है हंड्रेड मार्क्स का पेपर है आउट ऑफ विथ सेवेंटी मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा एंड में और उससे पहले 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन है 25 मार्क्स का इंटरनल एसेसमेंट होता है एंड अटेंडेंस मिला के आपको 25 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड फाइनल जो होगा जो आपको सी uh, से पेपर बन के आएगा आपको दूसरे कॉलेज में सीट एलोकेट होगा उसमें आप 75 में आंसर देंगे तो ये 25 में कॉलेजेस 25 में से 23, 24 एलोकेट कर ही देगा दे ही देगा आपको इसमें खेलना होगा टोटल में 40 लाना है 40 से नीचे फेल तो इसमें क्या क्या टॉपिक है सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में बोला है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग ऑफ एस लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब आपको पता है कैश बेसिस वर्सेज एप्रूवल बेसिस सब इलेवन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करके आए हो नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम ओके बिजनेस इनकम के बारे में डिस्कस किया रिजर्व एंड प्रोविजन थ्योरी टॉपिक है थर्ड में फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न ये भी आप क्लास इलेवन में कर चुके हो कोई भी बोर्ड के हो इरेस्पेक्टिव ऑफ आईसीएससी सीबीएससी और वेस्ट बंगल बोर्ड आप फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट आप करके आए हो सेम इधर है नेक्स्ट है फिनांशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ओके okay, ये भी आप करके आए हो ये रिसीस एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपरेशन शायद बैलेंस शीट प्रिपरेशन आप नहीं किए हो ये एक्स्ट्रा इधर है बट इजी है नेक्स्ट है सेक्शनल एंड सेल बैलेंसिंग लेजर इसमें आपको डेटा अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट खोलना होगा खोल के क्रेडिट परचेस निकालना होगा या फिर क्रेडिट सेल निकलना होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटा निकालना होगा पेमेंट टू तो क्रेडिटर्स निकालना होगा ठीक है ये मिसिंग फिगर आपको बस निकालना होगा सिंपल सा है इसमें और दो टॉपिक्स थे सी बी सी एस सिलेबस में इसमें कंसाइनमेंट था और इंश्योरेंस क्लेम था जो हटा दिया गया है क्योंकि ये तीन साल का पेपर को खींच के चार साल किया गया है तो हर एक सब्जेक्ट से दो तीन टॉपिक निकल के दूसरे फ्यूचर के सेमिस्टर में ऐड किया गया है उसके बाद कुछ सजेस्टेड रीडिंग से कुछ बुक्स का नाम सी से रेफर किया गया है नेक्स्ट जाते हैं माइनर पेपर ओके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये भी आप क्लास इलेवन में कर चुके हो दिस इज स्पॉट्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले जो किए थे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट दैट इज़ हेनरी फ्यल या मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है तो यही ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग लीडरशिप मोटिवेशन ये सब आप करके आए हो ओके माइनर पेपर हमारे टाइम पे ये माइनर पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होते थे अभी जो एस होगा उसमें मेजर भी ऐड होगा माइनर भी ऐड होगा सब कुछ पूरा क्रेडिट 172 सब कुछ ऐड होगा नेक्स्ट आता है इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी जहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम्स का फ्लेवर आपको मिलेगा तो उसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेस्ट बंगल बोर्ड में लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं लेते मैं भी अपने स्टूडेंट्स को रेफर बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स मत लो क्योंकि इकोनॉमिक्स कम स्कोरिंग पेपर है तो आपके लिए थोड़ा सा ये इकोनॉमिक समझ में मुश्किल होगा बाकी जिन लोगों को इकोनॉमिक्स था उनके लिए इजी होंगे बट प्रॉब्लम क्या होगा सेकेंड सेमिस्टर में कॉस्ट आएगा तो आपके कॉस्ट एंड टैक्स थे तो यू नो इन एंड आउट अबाउट कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बट उनके लिए कॉस्टिंग के पेपर में मुश्किल होगा तो अगर आपका कॉस्ट था तो आपको इकोनॉमिक्स में मुश्किल होंगे अगर आपका किसी का इकोनॉमिक्स था तो उनके कॉस्ट में मुश्किल होंगे ठीक है तो ये इकोनॉमिक्स से सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा फिर डिमांड एंड सप्लाई होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मार्केट एंड रेवेन्यू इसमें बहुत डायग्राम बना के आपको दिखाना होगा एनी वेज जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरीथिंग उसके बाद आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज ए सी सी कोर्सेज जो आपको नौकरी के लिए प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे आपको हेल्प करेगा ये आता है ऑन्टरप्रिनरशिप डेवलपमेंट दिस इज द शार्क टैंक एग्जाम्पल तो अगर आपको एक प्रोमोटर बनना है अगर आपको एक ऑन्टरप्रेनर बनना है कंपनी फॉर्म करना है स्टार्टअप हो या बड़ा कंपनी हो तो आपको क्या आइडियाज़ आना चाहिए ओके okay? तो वो इधर इस पेपर में बोला जाता है सिखाया जाता है ऑन्टरप्रेनर का मतलब क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़ कौन से आइडिया के बेसिस पे आप बिजनेस बनाओगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल के सामने बुक शॉप बना देते हो तो साल भर वो आपको रेवेन्यू देता रहेगा क्योंकि बच्चे लोग पेंस खरीदेंगे कॉपीज़ खरीदेंगे किसी का बुक अगर पूरा ना हो गया फट गया तो बुक्स खरीदेंगे आइडिया आइडिया कैसे जनरेट होता है बिजनेसमैन बनने के लिए मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर एंटरप्रिनरशिप आप अगर ऑन्टरप्रेनर हो आपको पैसा कहाँ पर लगाना पड़ेगा कौन से बिजनेस में आपको पैसा लगाना चाहिए इस चैप्टर में बोला जाता है एनी कमिंग आउट ऑफ इट उसके बाद ए ई सी एंड वी एस सी के बारे में इधर लिखा नहीं है जो मतलब ए सी मतलब वो लैंग्वेज वाला वी एस सी मतलब जो कॉमन है मतलब दोनों ही कॉमन है बी ए बी एस सी बी कॉम इसके बारे में इधर डिस्कस नहीं किया गया है देन हम जाते हैं सेकेंड सेमिस्टर में सेकेंड सेमिस्टर का वन एंड ओनली मेजर पेपर इज कॉस्ट अकाउंटिंग तो अगर आप कॉस्ट किए हो आपके लिए ईजी है ये रिपीट करोगे और अगर आप इकोनॉमिक्स किए हो आपको इकोनॉमिक्स में दिक्कत होगा जो कि मेजर पेपर नहीं है बट ये एक मेजर पेपर है तो अगर आप इकोनॉमिक्स किए हो आपको कॉस्ट में मुश्किल होने वाला है मेजर पेपर मतलब दिस इज अ प्रैक्टिकल पेपर तो थ्योरी पेपर में मुश्किल होना इजी संभाल लोगे प्रैक्टिकल पेपर में मुश्किल होना प्रॉब्लम है ओके okay? तो एनी ये भी सेवेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव का है आपको सेवेंटी फाइव का एग्जाम देना है इधर एंड सेमिस्टर में पहले इंट्रोडक्शन है यू नो वट इज कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट सेंटर ऑल दिस थिंग यू नो देन मैटेरियल कॉस्ट है इसमें आपको ई ओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डेंजर लेवल देन फीफो लीफो वेटेड एवरेज स्टोर लेजर ओके यू हैव डन इन योर क्लास ट्वेल्व और आई थिंक क्लास इलेवन ओनली यू हैव डन इन वेस्ट बेंगल बोर्ड नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयी कॉस्ट दैट इज लेबर ये भी आप किए हो हलसी रोवान प्रीमियम डिफरेंट बोनस पीस रेट ऑल दिस थिंग ये एक नया चैप्टर है जिसका थ्योरी आप किए हैं बट प्रैक्टिकल नहीं किए थे ओवरहेड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड अपोर्समेंट ऑफ ओवरहेड देन कॉस्ट शीट इससे ही आप क्लास इलेवन स्टार्ट किए थे ओके कॉस्ट शीट इसमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में डिफरेंट मेथड है वैम सैम ऑल दो थिंग नेक्स्ट जाते हैं हम माइनर पेपर की तरफ माइनर पेपर भी फोर क्रेडिट का है सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इसका माइनर पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स का फर्स्ट पार्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट है सेकंड पार्ट ह्यूमन रिसोर्स है ओके okay? मार्केटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन है मार्केट का डिफरेंट सेगमेंट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जियोग्राफिकल सेगमेंट देन एज वाइज सेगमेंट कर सकते हो लाइक like, आपके प्रोडक्ट कौन खरीदते यंगस्टर्स खरीदते या एजेड पीपल खरीदते हैं देन प्रोडक्ट के फोर ऑफ प्रोडक्ट यू हैव गॉन थ्रू दिस प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में ये गया मार्केटिंग अभी ह्यूमन रिसोर्स इक्वेल एंड टू योर स्टाफिंग पॉर्सकॉर्फ का जो एस है एस स्टाफिंग वो इधर है नेचर एंड स्कोप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का डिफरेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस यू हैव गॉन थ्रू यू हैव डन दिस इन योर बी एस डी क्लासेस क्लास ट्वेल्व जॉब इवेलशन परफॉर्मेंस अप्रेजल नेक्स्ट आता है फिर से मल्टी इधर है मैक्रो इकोनॉमिक्स फिफ्टी मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमिस्टर में था फिफ्टी मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमिस्टर है थ्योरी पेपर है इकोनॉमिक्स नहीं था थोड़ा मुश्किल रहेंगे एक ही चैप्टर मुश्किल रहेंगे सिंपल कैंशियन मॉडल ये सबसे मुश्किल रहेगा इसका नाम सिंपल है बट ये एक्चुअली है बहुत कॉम्प्लेक्स बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम है सिंपल इक्विलिब्रियम इनकम तक ठीक है सिंपल कैंशियन मॉडल में थोड़ा मुश्किल होंगे बट इन यू विल डिस्कस जब हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड इन्फ्लेशन है पब्लिक फिनेंस नेक्स्ट आता है आई टी ये अगेन स्किल एनहांसमेंट कोर्स ए सी सी आई टी में अगर आप साइंस से पढ़ाई की हो कॉमर्स से पढ़ाई की हो आप जब नौकरी करेंगे एक्चुअली यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर तो आपको आईटी में बेसिक चीज़ आना चाहिए हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर क्या है रैम क्या है रोम क्या है वही चीज़ थोड़ा सा डिटेल लेवल पे है इधर तो ये अगर अगेन पढ़ाई मतलब नौकरी के रिलेटेड प्रैक्टिकल पे पढ़े उधर सेम वन में जैसे ऑन्टरप्रेनरशिप डेवलपमेंट था इधर स्किल एनहेंसमेंट है तो अगर आप इवन आप सेल्स में भी नौकरी करोगे आपको एंड ऑफ द मंथ आपको एक रिपोर्ट निकालना पड़ेगा आप कितना सेल किए हो उसके लिए आपको कंप्यूटर खोलना पड़ेगा तो इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर अगर आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास इलेवन ट्वेल्व में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन था तो ये थोड़ा सा ईजी रहेगा इंटरनेट सर्विसेज़ करेंट कंप्यूटिंग पैराडिम अच्छा इसका 50 मार्क्स का थ्योरी रहेगा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा एक पते की बात बताता हूँ मेरे टाइम पे जब ये पेपर था आईटी उसमें हेरम चंद्र कॉलेज साउथ सिटी कॉलेज वेरी रिनाउंड कॉलेज मेरे फ्रेंड्स हेरमो में पढ़ते थे उनको कॉलेज में जो बाहर से जो इन्विजिलेटर आते थे प्रैक्टिकल में उनको पूछा गया कंप्यूटर को ऑन करो एंड शट डाउन करके दिखाओ बैक इन दोज डेज सबके घर में कंप्यूटर नहीं होते थे तो वो बस कंप्यूटर को ऑन किए एंड शट डाउन किए उसको 50 में से 50 मिल गया दैट्स इट और कुछ नहीं मैं गोयंका कॉलेज में पढ़ता था तो टैली एक्सेल में कुछ फार्मूला लगा के एवरेज निकलना हाईएस्ट नंबर निकलना वो सब करने दिया था नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल पार्ट है वर्ड प्रोसेसिंग तो सबको एम एस वर्ड आता है स्प्रेडशीट बनाना मतलब एक्सेल एक्सेल भी सबको आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी सबको आता है ठीक है ये तीनों मतलब एम एस ऑफिस बेसिकली एम एस ऑफिस इसमें आपको वो जो बाहर से इन्विजिलेटर आएंगे उनको दिखाना पड़ेगा अगेन ए ई सी वी एस सी ये कॉमन है उसके बारे में इधर लिखा नहीं है तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सी सी एफ प्रोग्राम बाकी तो आप तीन साल के बाद निकल सकते हो जो मैं पहली बोला कि आपको अगर सी ए कॉस्टिंग या फिर सी एस या फिर एल एल भी करना है तो आप तीन साल के बाद टाटा वाई वाई निकल जाओ तो अगर आप कॉस्टिंग करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही आपके फाउंडेशन एग्जाम आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है सीधा आप इंटरमीडिएट एग्जाम में जाएंगे और अगर आप सी ए का जो फाउंडेशन होता है जिसको सी पी टी बोला जाता है कॉमन प्रोफिशियंसी टेस्ट उसमें आपको ग्रेजुएशन तीन साल करो चार साल करो आपको फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स मैंडेटरी अगर आप चार साल भी किए बट फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स नहीं है तो आपको सी पी टी देना ही पड़ेगा बट अगर तीन साल भी किए 55 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स से आपको सीधा इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना पड़ेगा और अगर आप एमबीए कर रहे हो तो अगेन तीन साल के बाद अब बी का डिग्री लो ऑनर्स हो या ना हो आप तीन साल के बाद कैट के लिए प्रिपेयर करो इवन सेकेंड ईयर के बाद से ही कैट के प्रिपेयर करो तीन साल के बाद आप कैट में बैठ के क्लियर करके फिर एम कर सकते हो और अगर आपको रिसर्च या फिर पी का शौक है तो आप चार साल तक रहो फिर और एक साल में एम कॉम खत्म करो फिर पी की तरफ जाओ सो so, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा दोस्तों आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए फ्रेंड को ये शेयर कीजिए क्योंकि अभी तो मई की महीना चल रहा है फिर जून जुलाई जुलाई फर्स्ट से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप जब बी में भर्ती होंगे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है कैसा पढ़ाई करना है उसका डिटेल्स आपको जानने के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है क्या एग्जिट ऑप्शन है क्या सब्जेक्ट आप चुन सकते हो इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा थैंक यू सो मच विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विथ अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो